इसी उद्देश्य से भाषा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत आज की भाषा है अवर लवली लैंग्वेज कन्नड़ा। तो कन्नड़ा भारत की एक प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसकी लिपि कन्नड़ा है। जिस प्रकार से सभी भाषाओं की अपनी लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि, अंग्रेजी की रोमन लिपि, उसी प्रकार से कन्नड़ भाषा की लिपि कन्नड़ा है, जो ब्राह्मी लिपि से ली गई है। यह भाषा बहुत ही प्राचीन है। संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में सम्मिलित भाषाओं में से एक है। इस भाषा या भाषा द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। इस भाषा में संस्कृत भाषा के ढेर सारे शब्दों को ज्यों का त्यों प्रयोग किया जा रहा है। इस भाषा का साहित्य बहुत ही समृद्ध है और कन्नड़ा भाषा का संगीत भी बहुत ही समृद्ध है। इसी कारण से भारत सरकार ने इसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कन्नड़ा भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। अब आगे हम आप लोगों से इस भाषा का उच्चारण करवाएंगे, सबसे पहले इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में और उसके बाद कन्नड़ा में। तो इधर से मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप लोग रिपीट करेंगे, ठीक। सबसे पहले हेलो, हिंदी में नमस्ते, कन्नड़ा में नमस्कारा। नेक्स्ट, व्हाट इज योर नेम, हिंदी में आपका नाम क्या है, कन्नड़ में निम्मा हेसरु एनु। नेक्स्ट, माय नेम इज नवोदया, हिंदी में मेरा नाम नवोदया है, कन्नड़ा में नन्ना हेसरु नवोदया। नेक्स्ट, हाउ आर यू, हिंदी में आप कैसे हैं, कन्नड़ा में न्यू हेगिद्री। नेक्स्ट, आई एम फाइन, हिंदी में मैं ठीक हूँ, कन्नड़ा में नानु चेन्नागिदिने। नेक्स्ट, थैंक यू, हिंदी में धन्यवाद, कन्नड़ा में धन्यवाद। अब दोबारा हम आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, उसका सिर्फ आप आंसर देंगे, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे। कन्नड़ा में नमस्कार, निम्मा हेसरु एनु, नन्ना हेसरु नवोदया, न्यू हेगिद्रे, नानु चेन्नागिदिने। धन्यवाद।